जय हिंद दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट था वो अभी तक था कि केवल बॉडी पेन, हल्का सा फीवर आना, थकान और सिर दर्द ब्रिटेन में। तो वहाँ पे काफ़ी महिलाओं को प्रॉब्लम हुई है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मंथली पीरियड से जुड़ी समस्याएं आई हैं। तो इस पे काफ़ी रिसर्च हुआ है। रिसर्च के बाद अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि 100% ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये वैक्सीन से ही हुआ है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इनमें बदलाव की वजह से भी ये कंप्लेंट्स आती हैं। किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल समय से पहले, किसी का समय से बाद, किसी का जो फ्लो है वो ज़्यादा या किसी का कम, तो ये मोस्टली देखा गया है ब्रिटेन में। तो इसमें 30 से 49 साल की 25% महिलाओं में ये दिक्कत पाई गई। तो अभी तक किसी भी रिसर्च में ये नहीं कि ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। तो अभी अपने यहाँ जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, इनसे अभी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक कोई सामने केस नहीं आया है। इसमें जो डॉक्टरों के हैं, जो चीफ हैं, MHRA की चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जून रायने, तो उनका कहना है कि उन्होंने हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, अनियमित ढंग से हो रही वजाइनल ब्लीडिंग और वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट की इफ़ेक्ट्स की रिपोर्ट्स का रिव्यू किया है। तीनों वैक्सीन के मौजूदा आंकड़े इस खतरे को बढ़ने का इशारा नहीं करते हैं। महिलाओं की संख्या कम है जिनको इस तरह की समस्या से सामना करना पड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले हमारी HBP वैक्सीन या कोई फ्लू की वैक्सीन या अदर जो वैक्सीन पहले भी लगी हैं, तो उनमें भी महिलाओं को सामान्यतः मेंस्ट्रुअल साइकिल में अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए प्रभावित किया है पहले भी। तो कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन है तो उसमें कोई बड़ी आश्चर्यजनक ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन के बाद पीरियड्स में अनियमितता आई ऐसा संभव हो सकता है। दूसरे वायरस की बनी वैक्सीन से कई बार ऐसा हो चुका है। तो उनका कहना है कि ये इसमें घबराने की या डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अगर ऐसा हो रहा तो ये सामान जो पहले टीके लगते थे, वैक्सीन लगी है फ्लू वगैरह की, तो उसमें भी ऐसा ही हुआ है, तो कुछ समय के लिए अस्थायी होता है। शरीर में अक्सर ये बदलाव की वजह से भी होता है, हार्मोनल बदलाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। इस प्रक्रिया में कई बार लाइनिंग के प्रभावित होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल में बदलाव आ सकता है। अभी तक का जो अपने यहाँ का है, तो अपने यहाँ अभी ऐसा कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं देखा गया। अपने यहाँ अभी तक फीवर आना, बॉडी एक, सिर दर्द, ऐसे नॉर्मली ही अभी तक साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अभी तक ऐसा कोई भी यहाँ पे ऐसा साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया है। तो इसमें अभी कोई डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम्स किसी महिलाओं में अगर आती है, तो ये एक नॉर्मल फ्लू की तरह है, जैसे पहले टीके लगे थे, कुछ समय के लिए अस्थायी ये हो सकता है। तो इसमें आपको डरना नहीं है, कुछ आपको इतना बहुत ज़्यादा कोई ये अलग नहीं है, इसमें इतना आपको ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक नॉर्मल ही है, ये वैज्ञानिकों का कहना है। अगर ये जानकारी अच्छी लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।